फुटबॉल फैंस, हेलो फैंस, कैसे हो तुम लोग? तो भैया आज मैं बात करूँगा मैसी के बारे में, मैसी के बाइसाइकिल बोल के बारे में, पीएसजी के बारे में। क्या कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं पीएसजी की टीम यार, क्या परफॉर्म कर रही है टीम उनकी और क्या ज़बरदस्त खेल रही है पिछले कुछ गेम्स में। तो पीएसजी इस दफ़ा थोड़ा सा हाईलाइट हो रही है, हाईलाइट होगी भाई, परफॉर्मेंस हो आ रही है प्लेयर्स की, परफॉर्मेंस अब दिख रही है। नेमार की वो परफॉर्मेंस दिख रही है, एम्बापे भी इसमें है, लेकिन मैसी भैया इवन जिसके बारे में पिछले सीज़न से सुनते हुए आ रहे हैं कि भैया मैसी की परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही, लेकिन अब वो परफॉर्म कर रहा है। तो लेकिन अब ये है कि बात पीएसजी के ऊपर थोड़ा सी बाद में करेंगे, लेकिन मैसी के वो गोल के ऊपर बात करते हैं जो भैया मैसी भैया ने वो गोल किया जिसके लिए वो काफ़ी टाइम से ना बड़ी कोशिशें कर रहा था। बारसा के करियर में उसने बड़ी कोशिश करी कि ये गोल मैं अचीव कर लूँ, लेकिन वो इवन पीएसजी के वाले गेम में हो गया, पीएसजी वाले गेम में वो गोल हो गया। तो बारसा फैंस तो बड़े खुश हैं भाई, मैसी के फैंस तो बड़े खुश हैं, पीएसजी फैंस भी खुश हैं कि भैया ये बंदा हमारी टीम में आके सेकंड सीज़न में परफॉर्म कर रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि पिछले सीज़न में कहा था कि मैसी नहीं चला तो कोई मसला नहीं है, हर प्लेयर का एक दिन आता है भाई, नहीं चलता तो नहीं चलता, चलता है तो भाई नेक्स्ट सीज़न चल जाएगा, लेकिन चलेगा तो। लेकिन अब वो परफॉर्म कर रहा है, मैसी भी परफॉर्म कर रहा है, नेमार भी परफॉर्म कर रहा है, पूरी पीएसजी हकीमी ने भी गोल किया भैया, तो पूरी पीएसजी की टीम परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन वो जो गोल हुआ ना उसके बाद तो भाई फैंस का रिएक्शन भी कुछ अलग था, जो मैसी के चाहने वाले हैं, मैसी को लव करने वाले हैं, तो भाई उनका रिएक्शन तो बहुत अच्छा था कि मैसी ने हमारे करियर में, बारसा के करियर में ये गोल अचीव नहीं किया लेकिन अपने ज़िंदगी के करियर में काउंट कर लिया क्योंकि ये गोल हो गया। अब जो हेटर्स हैं ना वो ये कहते हैं कि भैंस होगी भाई ये जो गोल हुआ है ना, ये जो गोल मारा है ये रोनाल्डो के लेवल का नहीं है। अब इनकी बेचौदियाँ ये हैं, ये रोनाल्डो के लेवल का गोल नहीं है। अगर भैंस हो तो तुम लोगों को कितनी बार समझाया कि थोड़ा सा मतलब कमेंट्स वगैरह करने से पहले ना थोड़ा सोच लिया करो तुम बोल क्या रहे हो। मैसी और रोनाल्डो की ना हाइट भी देखो तुम लोग, मैसी और रोनाल्डो की हाइट देखो उसके बाद बात करो। मैसी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसकी हाइट इतनी है और उसने ये गोल कर लिया, तो उसके लिए ये भी बहुत बड़ी बात है, उसके फैंस के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है। तो पहले तो इनको ये गिले शिकवे थे कि भाई मैसी के कैरियर में भैया ये अलग गोल है ही नहीं, अब उसने वो गोल कर लिया तो ये बोलते हैं भैंस ये कि पोलियो वाली फॉर्म वाला गोल हमें पसंद नहीं आई, ये हमारे लेवल का नहीं है, रोनाल्डो के लेवल का नहीं है। अब ये भैंस तो रोनाल्डो के लेवल की बात कर दो, रोनाल्डो का भी लेवल क्या है? पैट्रिक एवरा का करियर रोनाल्डो से बहुत अच्छा चल रहा है, अभी उसकी ज़िंदगी में ऐसे लगे हुए लोड़े लहसुन लगे हुए हैं कि उसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, उसके साथ ज़िंदगी किस तरह से खिलवाड़ कर दी, इतना सा करियर हो गया रोनाल्डो का। और रोनाल्डो ने जब वो गोल किया था उस वक्त वो रियल मैड्रिड में खेलता था, क्या पीक पे चलती थी रियल मैड्रिड, क्या उस वक्त टीम थी, क्या उनके पास प्लेयर्स थे, क्या उनके पास मैनेजर था, मतलब यार वो अलग दौर था, ये अलग दौर है। अभी यार रोनाल्डो बिल्कुल अकेला है तो उसको पता चल रहा है कि यार मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मेरी ज़िंदगी में हो क्या रहा है, मैं किसी अच्छी टीम के साथ होता तो मेरे करियर भी अच्छा होता। मैसी भैया के साथ भी सेम सीन है, मैसी भैया एक अलग टीम, अपनी टीम छोड़ के एक अलग जगह आ गए, उसने एक सीज़न खेलने के बाद ये तो नहीं कहा कि मुझे यहाँ से जाना है। तो यार तुम लोग यार फैंस कसम खुदा कि तुम लोग इस तरह से बातें करते हो ना मैसी रोनाल्डो के ऊपर तो बड़ा गुस्सा आता है। दोनों को डिफेंड करता हूँ मैं, दोनों के ऊपर बात करता हूँ, ये सब चीज़ें सोचा करो पहले कि यार बोल क्या रहे हो, अब बोल क्या कहने वाले हो। सोशल मीडिया पे आके कुछ भी बोल देते हो, बस कुछ भी बोल देते हैं यार ये फैंस ऐसे ही हैं, इनकी बातों को ना मैं ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, लेकिन ये वाली बात जो है ना मुझे बड़ी चुभी। तो भैया मैसी के ऊपर बात करने से पहले सोच लिया करो, लेकिन अभी मैसी ने तो वो गोल मार के मुँह बंद करवा दिया सबका, इवन परफॉर्मेंस भी देख लो, अभी यूसीएल के ड्रॉज आएंगे तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है डेंजरस टीम लग रही है भाई ये पीएसजी की टीम। 18 शॉट्स मारे और 12 शॉट ऑन टारगेट जिसमें से 5 गोल निकल के आए, तो ये है उनकी टीम। और भाई वो ये भी कहते हैं कि भाई हैट्रिक नहीं कर सकता, ठीक है भाई हैट्रिक नहीं कर सकता कोई मसला नहीं है यार, हो जाएगी हैट्रिक भी, लीग बहुत बड़ी है, मैचेस अभी पड़े हैं बहुत सारे मैचेस हैं, हैट्रिक करने का भी चांस हो जाएगा। पहले तो मैं ये मसला था गोल नहीं करता, अब गोल कर लिए तो बोलते अब हैट्रिक नहीं करता, वो भी कर लेगा, तो मैं बहुत सारे गिले शिकवे ना वो मैसी दूर कर लेगा। तो ये है सारा सीन आज का, चलो यार मिलता हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, पेज को भी लाइक कर लेना।